आगे हो सवाल गुड 170 सेंटीमीटर गुड किसी तैयारी कर रहे हो आप सीपीओ कर रहे हैं नीचे चुप के जाया करवाऊ ठीक है गुड सवाल आगे आइएगा ठीक है गुड नीचे झुकती पूरा आगे आइएगा फटाफट 170 सेंटीमीटर किसी तैयारी कर रहे हो SSC GD ठीक है गुड किसी तैयारी करो आप SSC GD गुड संभल के गुड आगे आइएगा पैर चटाइए संभल के ठीक गुड किसी तैयारी कर रहा CPO का गुड संभल के किसी तैयारी कर रहा SSC GD ठीक है नीचे झुक के 170 सेंटीमीटर दोस्तों मैं चाहूँगा थोड़ा नज़दीक आइएगा दोस्तों ये 170 सेंटीमीटर मैं चाहूँगा आप दिखा दीजिएगा 68 69 और 170 आप अच्छे से दिखाइए दिख रहा है क्या सर जी बिल्कुल 170 सेंटीमीटर पे यहाँ पे हाइट मेजरमेंट किया जा रहा है पीछे जाइएगा ठीक है 170 सेंटीमीटर एक्यूरेट जिस तरह आर्मी में और जिस तरह CPO में SSC GD में चेकअप किया जाता है सेम वैसे ही 170 सेंटीमीटर इनका हाइट चेकअप किया जा रहा है साइलेंट हो जाओ मंडल कहाँ गए मारे चलिए सब मुर्गी बन जाओ आप सभी लोग फटाफट जल्दी से आवाज करना है यहाँ पे आपकी डिसिप्लिन नहीं है डिफेंस बजाना है नीचे बन रहे बनो इधर इधर की लड़की कहाँ से यहाँ से मजाक बना के रख लीजिए कहता है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है अगर ये चीज़ आपके अंदर नहीं है तो आपके लिए सेना आपके लिए डिफेंस आपके लिए पुलिस ये सब आपके लिए नहीं बनी है अगर उसमें जाना है तो आपको एक कायदे नियम के साथ रहना है समझ में आ रहा है क्या सर गुड अच्छे से रहो भाई ठीक है जितना बोला जाए सिर्फ उतना ही करो फालतू हरकतें मत करो समझ में आ रहा क्या सर चलो खड़े हो सीधे फटाफट चलो रेडी निशा सामने देखो इधर गुड 170 सेंटीमीटर नीचे झुक के जाओ फटाफट और पास में बैठ जरा सामने देख ठीक गुड 170 सेंटीमीटर आगे पर जल्दी जल्दी आपकी हाइट थोड़ी सी कम है किस भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर उसमें चाहिए 168 सेंटीमीटर ठीक है जी आपका 170 सेंटीमीटर हाइट नहीं ठीक है जाइए आप बताऊँगा आपको कैसे चेक करें ठीक है अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हाइट को बढ़ाते हैं ध्यान रखिएगा रेडी आपकी बहुत ज़्यादा हाइट कम है ठीक है आपका नहीं हो पाएगा ठीक है जाइए आपकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है नहीं हो पाएगी जाइए सर हो जाएगा अरे सर देख लीजिए अच्छे से नाप पकड़ने कुछ मतलब नहीं है अच्छे से क्या खड़े हो सीधा खड़े पैर पकड़ने से कोई मतलब नहीं है सुन लेना रे आप मेरे मामा के लड़के नहीं हो डिफेंस में सुनिए ना डिफेंस में एक चीज़ का नियम है कोई किसी से सगा नहीं होता है जितना है उतना ही आपको मिलेगा समझ आ रहा है क्या खड़े जाओ आपकी तो बहुत ज़्यादा हाइट कम है देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा हाइट कम है आपकी तो हाइट एक्सरसाइज कराऊंगा तब भी नहीं हो पाएगी एक्सरसाइज कराने से सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर आ सकती है लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा हाइट कम है ठीक है दोस्तों आप भी देख सकते हैं लगभग 4 इंच से ज़्यादा इनकी हाइट कम है इस कंडीशन में नहीं हो पाएगा आपका समझ में आ रहा है क्या सर मुझे सेना में जाना है सर मुझे सेना में जाना है सर सर अच्छे से नाप लीजिए सर कैसे नाप लो बताइए मैं चेकअप कर रहा हूँ खड़े जाओ पैर नहीं पकड़ते ठीक खड़े हो जाए ये जुनून अच्छा लगा ठीक है लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप डिफेंस में जाओ आप फौज में जाओ तो ही माना जाएगा कि आप देश सेवा करेंगे आप घर में गांव में समाज में ओए आप आसपास रह के भी देश की सेवा कर सकते हो और अगर आपकी हाइट कम है दोस्तों कभी आपकी भी हाइट 170 सेंटीमीटर कम है तो आप आर्मी GD SSC GD और CPO की जो CPO का आती वैकेंसी उसकी तैयारी करना बंद कर दे कभी आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट कम है ध्यान रखना दोस्तों क्योंकि उसमें 170 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाता है लेकिन हाइट अगर आपकी 170 सेंटीमीटर कम है 168 है 165 है 162 है या 160 सेंटीमीटर है तब आप सुन लेना इधर सभी लोग ध्यान से तब आपको 160 सेंटीमीटर RPF में मांगता है SC ST के लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए आपको इसमें RPF में OBC जनरल के लिए ठीक है
और झारखंड पुलिस में चाहिए एक 60 सेंटीमीटर चाहिए सभी को। दूसरा, आप लोगों को एक 68 सेंटीमीटर यूपी पुलिस में लगता है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो कभी आपकी एक 68 सेंटीमीटर, एक 65 सेंटीमीटर या एक 60 सेंटीमीटर है तब भी आप यूनिफॉर्म पहन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले फिजिकल और रिटर्न मेडिकल ये सारी चीज़ निकालना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक 70 सेंटीमीटर कम है तो आप आर्मी जीडी का, एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप मत करिए, ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा फिजिकल में ही, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, आपकी हाइट कम बाबू कोई दिक्कत नहीं है, अगला तैयारी कीजिए, झारखंड पुलिस आई है उसकी तैयारी कीजिए, या आरपीएफ की है आरपीएफ तैयारी कीजिए, उसमें आपका हो जाएगा, ठीक है। गुड, लग रही जाइए, गुड, जाइए शाबाश। नेक्स्ट, आपकी भी हाइट कम बाबू, ठीक है, आखिर आपकी भी हाइट कम है, झारखंड पुलिस तैयारी करो या आरपी तैयारी करो, ध्यान रखना, जाइए उधर। नेक्स्ट, आगे ये पढ़ावड़ कर सकते हैं आप, किसी तैयारी कर रहे हैं आप, आर्मी जीडी का, गुड, शाबाश, 170 सेंटीमीटर, संभल के। नेक्स्ट, ठीक, गुड, सामने देखो। एक चीज़ दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लड़कों मन में डाउट रहता है कि सर हाइट किस तरह वहाँ पे खड़े होते हैं और कैसे चेकअप किया जाता है, कैसे किस तरह परफेक्ट जाए कि मेरी एक्यूरेट हाइट आए, जितना आपका एक्चुअल आपकी हाइट होती है उतनी आए। तो आइए मैं नज़दीक से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले आप पीछे जाइए, थोड़ा वहाँ पीछे जाइएगा, जब भी वहाँ पे आपको बुला रहे आए कि नेक्स्ट आगे आइए, तो आप आइए आगे, आप जैसे ही आगे आ जाए तो सबसे पहले आप यहाँ की जो एड़ी है इसको सटा लें, ध्यान रख लीजिए, अगर कभी आपकी एड़ी सटी नहीं है तो आपकी जो एक्चुअल हाइट है वो कम पड़ जाती है। कभी कभी बहुत सारे लड़के जिनका 170 सेंटीमीटर हाइट रहता है तब भी वो बंदा वहाँ पे 169 निकलता है, इसलिए क्योंकि वो बंदा सही तरीके से खड़ा नहीं हुआ है। तो खड़े होने का तरीका ऐसा ही है कि आप बिल्कुल यहाँ पे एड़ी चढ़ा ले, सामने चेस्ट बिल्कुल सामने की तरफ और सामने देखिए बिल्कुल। एक चीज़ और मैं चाहूँगा कि ध्यान रखिए, ये जो गर्दन इसको ज़्यादा ना उठाए, कोशिश करें आप पीछे का पोर्शन ज़्यादा उठाएं और बिल्कुल सामने देखिए। कभी आप इस तरह करेंगे तो बहुत अच्छे से यहाँ पे आपकी हाइट मेजर हो जाती है, इतना ध्यान रखें, बस इतना ही करें, फालतू में एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ें ना करें। अगर आपने फालतू किया तो वहाँ पे आपको डंडे पड़ेंगे या थप्पड़ पड़ सकता है आप, और आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अभी पढ़ाओ, ठीक है, 170 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडी, नेक्स्ट, ठीक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, वीडियो कभी आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कभी आप भी आना चाह रहे हैं यहाँ पे डिफेंस फोर्सेस की फिजिकल तैयारी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आइए, गारंटी के साथ तैयारी कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, पता की जय।